अस्सलाम वालेकुम माय यूटूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन की रेसिपी यानी कि मैं आज मैंने बनाया है चटपटा तरी वाला चिकन तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे जो है ना मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और हम इसे एक बाउल के अंदर डाल देंगे सब फिर हम इसमें डालेंगे मसाले तो नमक और मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए मैंने इसके अंदर दो तो छोटे चम्मच मिर्च पाउडर नमक आधा चम्मच डाला है एक बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है साथ ही हल्दी थोड़ी इसके कलर के लिए आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है एक छोटा चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला और एक ही छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है चिकन का मसाला जिससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही बढ़िया सा आए और एक छोटा चम्मच भर के मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके दस से पंद्रह मिनट के लिए हम इसे रख देंगे यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है इसमें ऑयल जो है ना ज़्यादा जाता है क्योंकि ये तरी वाला चिकन है तो ऑयल ज़्यादा ही जाएगा इसमें तो ऑयल डाल दिया था यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज चॉप कर लिया था एक बड़ा तेज़पत्ता ले लिया था तीन चार काली मिर्चें ले ली थी और ये सब चीज़ें डाल के हम ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम गैस पे ही हमें प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है और जैसे ही प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा जब भी हम प्याज को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इस प्याज का हमें पेस्ट बना लेना है यहाँ पे सारा प्याज मैंने निकाल लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे दो छोटी इलायची अच्छे फ्लेवर के लिए और जो चिकन हमने रखा था ना सेट होने के लिए तो वो चिकन सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर देंगे ऑयल के अंदर ताकि जो भी इसके अंदर मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से जो है ना ये एकदम भुन जाए तो एकदम न्यू तरीके की रेसिपी है फटाफट वाली रेसिपी है और बहुत ही अच्छा बनता है चटपटा बनता है तो एक बार ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करके देखिएगा और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जो भी न्यू लोग इस टाइम मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए तो यहाँ पे जो है ना चिकन मसालों के साथ अच्छे से भुनने लगा है और गैस का फ्लेम मैंने हाई नहीं रखा है मीडियम ही रखा है मीडियम गैस पे ही जो है ना हम इस चिकन को पकाएंगे और कलर वगैरह आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया सा आ गया है और ऑयल अगर अभी इसके ऊपर आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ऑयल जो है ना इसके ऊपर बहुत अच्छा सा आएगा क्योंकि हमने ऑयल जो है ज़्यादा यूज़ भी करा है इसमें तो हम इसे पहले अच्छे से पका लेते हैं चिकन को और यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा स्किप मत करिएगा यहाँ पे जो मैंने अभी प्याज फ्राई करके रखा था ना उसका भी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और वो हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे तो यहाँ पे चिकन जो है ना एकदम परफेक्ट एकदम गल चुका था तो बस अब हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है जो मैंने प्याज फ्राई करा था उसकी पेस्ट मैंने बनाकर तैयार रखी थी सॉरी वो मैं आपको डालते हुए दिखाना भूल गई तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और जैसे ही हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड करते हैं ना तो इसका जो भी मतलब तब ऑयल वग़ैरह होता है ना वो एकदम गायब हो जाता है तो कोई बात नहीं हम इसके अंदर जब ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे ना और पानी में जब हम अच्छे से वॉइल लेंगे तभी इसके अंदर बहुत अच्छा सा जो है ना एकदम ऑयल आ जाता है तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसके अंदर अच्छे से पानी वगैरह जो ग्रेवी के लिए मुझे इस्तेमाल करना था ज़्यादा मैंने नहीं यूज़ करा है बहुत कम ही मैंने इसके अंदर पानी यूज़ करा है क्योंकि ये ज़्यादा हम जो है ना लिक्विड टाइप में नहीं बनाएंगे एकदम भुने स्टाइल में ही जो है ना ये तरी वाला चिकन बनता है तो बस मैं इसके अंदर आधा गिलास से भी कम मैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करूँगी और फिर इसमें एक वॉइल ले गैस को मैं बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ऑयल आ जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया था इसके बाद मैंने इसे सर्विंग डिश में सर्व कर दिया है तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा तरी वाला चिकन बनके तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा बना था इसे आप जो है ना नान के साथ सर्व करें आपको बहुत पसंद आएगा तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में अल्लाफि